हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इवांस वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं करा वो करो, वरना फिर ये समझ नहीं आएगा। और बाकी सब अब सुनो मेरी छोटी सी कहानी, फर्स्ट पार्ट का समराइज्ड, बिल्कुल छोटा सा, कि हमें पता लग जाए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है आज। एक प्रिजनर है इवांस, और वो जर्मन का एग्ज़ाम देना चाहता है, बट सबको डाउट है कि वो एग्ज़ाम देना चाहता है या एक्चुअल में भागना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार प्रिजन से भाग चुका है। दो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैक्सन और स्टीफन्स, आए हुए हैं उसके पास, उसका नेल फाइल, नेल सीजर्स वगैरह ले लिए ताकि वो भागने की उनसे कोशिश ना कर सके किसी तरह। और उसने एक गंदी सी हैट पहनी हुई है इवांस ने अपने सर पे, जो जैक्सन को बड़ी खटकती है। वो बोलता है, सड़ी हुई हैट को उतार दे चुपचाप तू। तो फिर इवांस कहते हैं कि सर एग्ज़ाम है मेरा, लकी चाम, ने इमोशनल बातों से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो, क्योंकि उसे पता है जैक्सन के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा प्यार है। अब इस पर जैक्सन क्या रिएक्ट करता है, हमें आज वहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलो यार, अब आप लोग तैयार हो, लेट्स स्टार्ट। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, सिर्फ इस बार शर्ली टेम्पल। इफ देर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथ्ड अबाउट इवांस, लोथ्ड होता है तहे दिल से नफरत करना, तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ थी जो जैक्सन को इवांस के बारे में बहुत ज़्यादा वो नफरत वाली फीलिंग देती थी, इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, वो थे इवांस के लंबे वेवी से बाल। अब आई एम श्योर ये कुछ समझ नहीं आया आपको क्या हो गया ये, मैं समझाती हूँ। शर्ले टेम्पल, ये है शर्ले टेम्पल, एक एक्ट्रेस कम डांसर सिंगर काफ़ी कुछ। इनके थे लॉन्ग वेवी हेयर। अब यार इंडिया में सोचो, जब कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के गम में, जिसका ब्रेकअप हो गया रिसेंटली, दारू पी के पड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अबे ओ देवदास, अपनी पारों के गम से ना बाहर निकल ले चुपचाप तू। हम क्या करते हैं, पारों और देवदास का रेफरेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उन फिल्म कैरेक्टर्स के बारे में पता है। हम सामने वाले को पारो देवदास बना देते हैं। सेम जैक्सन ने यहाँ पे किया है, शर्ली टेम्पल के लॉन्ग हैवी वेवी हेयर थे, तो वो इवांस को शर्ले टेम्पल के नाम से बुला रहा है कि शर्ले टेम्पल बस एक बार है ये। इवांस ने जो रिक्वेस्ट करी थी उसके अपनी टोपी को रखने की, तो उसने अलाउ कर दिया, थोड़ा सा प्यार था उसके दिल में। एक सेकेंड रीज़न ये भी कि उसको इवांस के वो लंबे वेवी बालों से बड़ी नफरत थी, तो उससे वो थोड़े ढक भी गए थे। तो अब ये सब कहानी हो गई। अब इसके बाद वो कह रहा है एंड गेट शेविंग, और अब शेव कर ले तू। तो बड़ा गुस्से में रूडली जैक्सन ये सब बोल गया। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, 8:45 पौने 9 बजे उसी सुबह, द रेवरेंट स्टुअर्ट मैक्लियरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट। रेवरेंट स्टुअर्ट मैक्लियरी, जो उसका इन्विजिलेटर होने वाला था, ब्रॉड स्ट्रीट जगह का नाम है जहाँ वो रहता था, तो वहाँ पे उसका बैचलर फ्लैट था, वहाँ से वो निकला। अब बैचलर फ्लैट क्या होता है उसके लिए एक पिक्चर देखो, ये देखो, ये जो पूरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें बेड भी है, इसी में किचन है, वॉशरूम है, लिविंग एरिया है, तो ये होता है एक बैचलर फ्लैट, जो एक बैचलर इंसान यूज़ करता है अपने रहने वहने के लिए। एक ही कमरे में सब कुछ होता है, तो उस मैक्लियरी का भी कुछ ऐसा ऐसा ही वो कमरा था। एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कैफैक्स, और ब्रिस्कली होता है थोड़ा जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी वो बाहर निकला कैफैक्स की तरफ। कैफैक्स क्या है, ये एक स्ट्रीट जंक्शन है, जैसे आप मान लो ये 4 स्ट्रीट्स हो गए, ऑक्सफोर्ड एरिया का ही है ये, इंग्लैंड का, ये 4 स्ट्रीट अलग अलग स्ट्रीट से अलग अलग जगह पे जा रही है, तो इसका जो पूरा जंक्शन है ये कैफैक्स इसका नाम है। तो इसकी तरफ गया ये मैक्लेरी, और ये कैफैक्स ना HM प्रिजन के भी पास है। सो इन शॉर्ट वो अब प्रिजन की तरफ जा रहा है। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। तो जो वेदरमैन है उन्होंने रिपोर्ट किया कि नॉर्मल से टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा कम होंगे अर्ली जून के लिए, कि जून की शुरुआत में टेम्परेचर्स काफ़ी कम होंगे। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा सा ओवरकोट ब्लैक कलर का, एंड अ शैलो क्राउन्ड क्लेरिकल हैट, ये क्या है ये अभी आते हैं इसके ऊपर, तो एक हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल व्हिच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर। तो जो मैक्लियरी था वो कैफेक्स की तरफ जा रहा था, उसने एक ब्लैक ओवरकोट पहना था, एक क्लेरिकल हैट थी, और उनकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल रही थी, किससे, स्टेडी ड्रिजल, एक कॉन्टिन्यूसली हल्की हल्की बूंदाबांदी जिसे कहते हैं, ड्रिजल होती है बूंदाबांदी, तो उससे उसे प्रोटेक्शन मिल रही थी जो आधे घंटे पहले ही शुरू हुई थी। सो जो वो हल्की सी बारिश आधे घंटे पहले शुरू हुई थी। एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मे के जो थिक लेंसेज थे उस पर पूरा स्पैटर हो गया था उस बारिश की वजह से। स्पैटर मतलब जैसे बारिश में लेंस इस तरह हो जाते हैं ना, बूंदे बूंदे सारी पड़ जाती हैं, धुंधला दिखने लगता है, तो वैसे उसके कुछ लेंस हो गए थे।
शैलो क्राउन क्लेरिकल हैट क्या है? क्लेरिकल हैट तो नॉर्मल जो चर्च वगैरह के लोग हैट पहनते हैं, कुछ वैसा समझ लो। शैलो क्राउन हो गया कि जिसकी ढुंगाई अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी सी नहीं थी। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूट केस। उसके राइट हैंड में एक छोटा सा ब्राउन कलर का सूट केस था, विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, जिसके अंदर वो सब चीज़ें थी जो उसे अपनी मॉर्निंग की ड्यूटीज़ के लिए चाहिए होंगी। मॉर्निंग ड्यूटीज़ मतलब जो भी इवेंट्स वो एग्जाम वगैरह में जो भी उसे चाहिए होगा वो सब उसमें था, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलॉप। एक सील्ड क्वेश्चन पेपर का एनवलॉप था, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक फॉर्म था इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जामिनेशन बोर्ड से एक ऑथेंटिकेशन कार्ड था जो ये बता रहा था कि हाँ ये बंदा है जो इन्विजिलेट करेगा इवेंट्स को। जैसे एक हमारे स्कूल्स में आईडी कार्ड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ हम इस स्कूल के बच्चे हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अ पेपर नाइफ, एक पेपर नाइफ, अ बाइबल, और एक बाइबल थी। ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गाइड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रुथ। एंड वो बाइबल क्यों कैरी कर रहा था? क्योंकि उसे आफ्टरनून में वुमेन्स गाइड, गाइड एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलरली किसी एक गोल के लिए इकट्ठा होता है, तो वुमेन्स ने इकट्ठा होना था सबने और उसको उनसे बात करनी थी बुक ऑफ रुथ के बारे में। ये बाइबल का ही एक बुक है। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर हो गया, उसकी एक कॉपी उसके पास थी। तो ये सब चीज़ें हमारे इस मैक्लियरी सर के पास थी। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 2 घंटे का जो एग्जामिनेशन होना था एवांस का जर्मन का, वो शेड्यूल था 9:15 के लिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एवांस वॉज लादरिंग हिज फेस विगरसली। इवांस अपना फेस को अच्छे से लादर कर रहा था, बहुत तेज तेज, विगरसली बहुत अच्छे से, बहुत तेज तेज लादर। इन द सेंस जैक्सन उसको शेव करने के लिए बोल के गया था, तो वो शेव ही कर रहा था और शेव करते हुए वो फोम बनाते हैं फेस पर, तो बड़े अच्छे से रगा हुआ था घिसने में कि फोम बन जाए, फोम बन जाए। When Stephens brought in 2 small square tables, तो जब इवान से कर रहा था तब स्टीफन अंदर लेकर आया 2 छोटी square tables and set them opposite each other in the narrow space, और उन दोनों tables को एक दूसरे के opposite रखा उस छोटे से space में, narrow space में, between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall, और उन tables को बीच में रखा। एक साइड पे bunk था, दूसरी साइड पर एक स्टोन वॉल थी, थोड़ी पेंटेड या ख़राब सी कह लो कुछ भी। यहाँ मैं देखो समझाती हूँ, ये आप समझ लो उसका bunk टेबल था, थोड़ा गंदा सा बना है फिगर, और यहाँ पर वो वॉल थी, और यहाँ पर ये प्रिजन का गेट हो गया, और यहाँ पर वो टेबल एक और ये टेबल टू, तो कुछ रफली ऐसा सा सेटअप था। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 hard chairs। उसके बाद नेक्स्ट स्टीफन्स 2 hard chairs लेकर आया, द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर। सबसे पहले तो बैटर्ड क्या चीज़ है, आपके अकाउंटेंसी के टर्म में बताती हूँ, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। आपके अकाउंटेंसी में कोई भी एसेट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वियर एंड टीयर होता है, डेप्रिसिएशन में यूज़ होता है वियर एंड टीयर। तो जो चीज़ टाइम के साथ या यूज़ कर करके घिस जाती है वियर टीयर, उसको कहते हैं बैटर्ड, वो चीज़ बैटर्ड होती है। तो वो चेयर्स दोनों बैटर्ड थी, और एक जो थोड़ी कम बैटर्ड थी, जो थोड़ी कम घिसी हुई थी, उसे स्टीफन्स ने उस टेबल के पास रखा जो उस प्रिजन सेल के दरवाजे के पास थी। तो प्रिजन का डोर ये है, ये वाला टेबल ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर उसने वो लेस बैटर्ड चेयर रख दी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपेयरेंस, और फिर जैक्सन एक लास्ट बार के लिए अपनी शक्ल दिखाने आया इवांस को, बिहेव योर सेल्फ लाडी, अब यो लड़के बिहेव कर लियो थोड़ा सा। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड, इवांस ने उसकी तरफ मुड़ा देखा और अपना सर हिलाया, नॉड किया कि भाई हाँ सुन लिया उसने। एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, और साथ ही जैक्सन ने दीवारों पर कुछ पिनअप्स टंगे हुए थे, पिनअप्स मतलब कुछ कुछ फोटोज टंगी होना, उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, और ये ऑफ मतलब इनको निकाल दो। क्यों निकाल दो वो देखते हैं। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, इवांस फिर से मुड़ा और उसने सर हिला दिया कि भाई ठीक है हाँ, और वो साथ ही बोल रहे हैं आई वाज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, ये एम है एक्चुअली में देम, पर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत मार के आना, नंबर कट जाएंगे। अ मिनिस्टर इजंट ही, ये है ही, तो एक मिनिस्टर है वो, नहीं है क्या? द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन जो भी इंसान यहाँ पे बैठने के लिए आ रहा है, मेरा मतलब उससे है। सो बेसिकली वैंस कह रहा है कि मैं इनको निकालने ही वाला था, मिनिस्टर है ना वो एक जो आ रहा है मेरे पास बैठने। सो ये पिनअप्स और ये मिनिस्टर का कनेक्शन क्या है, अब एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल से बताती हूँ। आप इमेजिन करो आप एक पीजी में रहते हो और आपके पेरेंट्स काफ़ी दूर रहते हैं और काफ़ी 2-4 लड़के और हैं आपके साथ, तो आप खुद ही इमेजिन कर लो किस किस तरह की फ़ोटोज़ आपने लगाई होंगी इधर उधर दीवारों पर, और वो कुछ फ़ोटोज़ डेफिनेटली ऐसी होंगी जो पेरेंट्स के सामने नहीं दिखा सकते,
तो जब पेरेंट्स आएंगे तो ऑफकोर्स आप उनको उतार दोगे अपनी सो कॉल्ड इमेज बचाने के लिए। तो उसी तरह जो वो मिनिस्टर है मैक्लेरी, एक चर्च का बंदा है, तो वो कुछ भी, कोई भी रॉक बैंड या जो भी फोटो है वो उसके सामने सही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो जैक्सन उन्हें उतारने के लिए कह रहा है। और आगे फिर जैक्सन बोल रहा है, एंड हाउ डिड यू नो दैट, जैक्सन आज क्वाइटली, जैक्सन ने बड़े आराम से पूछा कि तुम्हें कैसे पता। जब इवांस ने बता दिया कि वो मिनिस्टर है ना, तो जैक्सन थोड़ा सा शायद हैरान हुआ और पूछ रहा है कि तुझे कैसे पता है। वेल आई टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प, कह रहे कि वेल मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे और आई कुडंट हेल्प, मैं मतलब देख लिया कि कौन था कौन नहीं। तो इस तरह इवांस को पता लगा कि जो आने वाला था वो एक मिनिस्टर था। इवांस ड्र्यू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, तो इवांस शेव कर रहा था, उसने रेजर अपने लेफ्ट चीक से, जैसे यहाँ पे भी बंदा लेफ्ट चीक से उसने रेजर नीचे की तरफ किया, एंड लेफ्ट अ नीट स्वैथ इन द वाइट लादर, और उस वाइट फोम में एक नीट स्वैथ, मतलब कट तो नहीं कहेंगे, जो भी ये साफ कर रहे हैं उसको कहते हैं स्वैथ। अब वो आगे फर्दर पूछ रहा है, कैन आई आस्क यू, तो वो पूछ रहा है, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन, व्हाई डिडंट दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, इन लोगों को मुझे सेल में बग क्यों करना था। इन ऑर्डर हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, और ये बोलते हुए उसने दरवाजे के ऊपर, मतलब आप ये समझ लो ये कि उसका प्रिजन का दरवाजा है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट पर देखते हुए इवांस ने ये बात जैक्सन से कही। अब बगमी का क्या मतलब है? बगमी का मतलब है कि किसी जगह पर एक सीक्रेटली माइक्रोफोन लगाना, ताकि वहाँ पे होने वाली बातों को आप सुन सको या फिर रिकॉर्ड कर सको। तो इवांस के सेल में भी अरेंजमेंट किया गया था कि उसकी बातें वगैरह सब लोग सुन सकें, एंड होना तो वो चीज़ सीक्रेटली चाहिए था, बट इवांस को पता लग गया तो वो सीक्रेट तो है नहीं। उसने दरवाजे के ऊपर देख लिया और पूछ रहा है कि मुझे क्यों बक करना था। तो फिर जैक्सन कहता है, वॉट अ वेरी नीट जॉब, साफ सफाई से काम नहीं किया। अग्री कर रहा है जैक्सन अब इस पर कि भाई सीक्रेट होना चाहिए था, बट पता लग गया है वांस को। दे नॉट दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, वांस कह रहे हैं वो ये तो नहीं ना, सीरियसली उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं फिर से कोशिश करने वाला हूँ। वांस ने अपनी बात पूरी नहीं करी कि जैक्सन ने उसको बीच में टोक दिया। दे आर टेकिंग नो चांसेज वांस, वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं वांस। नो बडी इन हिज सेंसेज वुड टेक एनी चांस विद यू, अपने सही हालत में सही होशो आवाज में कोई भी तुम्हारे साथ कोई डाउट या कोई चांस नहीं लेगा। एंड किस चीज़ का चांस? इवांस के प्रिजन से भागने का चांस, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार भाग चुका है। तो अब इवांस पूछ रहा है, हु इज गोइंग टू लिसन इन, सुनने कौन वाला है हमें? आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लाडी, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सुनने वाला है तुम्हें लड़के, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी ये खुद गवर्नर है, गवर्नर खुद तुम्हें सुनने वाला है, देख रहे हो तुम, ही डोंट ट्रस्ट यूर ब्लडी इंच एंड नॉट डू आई, वो तुम पे एक इंच भी भरोसा नहीं करता है और ना ही मैं करता हूँ। आई बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक इवांस, हॉक होता है बाज, मैं एक बाज की तरह देखूंगा तुम्हें इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन, क्लियर? कीप योर नोज क्लीन का मतलब है कि कोई हरकत मत करना, तरीके से रह लेना, कोई परेशानी मत करना, सही है, क्लियर है भाई सब? तो इन लोगों को इतना खतरा है कि इवांस भाग ना जाए, तो इसलिए वो बता रहा है जैक्सन की मैं एक बाज की तरह तुम्हें देखने वाला हूँ, बाज की जो नज़र होती है बहुत तेज़ होती है। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, ये सब बोल के अब जो जैक्सन है वो दरवाजे की तरफ जा रहा है। इवांस नॉडेड, इवांस सर हिलाता है अपना, हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, उसने पहले से ये सब सोच रखा था। एंड नंबर टू हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और उसके बंक पर पहले से ही दूसरा हैंडकी उसका पड़ा हुआ था, अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लाइनन, बिल्कुल नीटली फोल्ड किया हुआ स्क्वायर पीस ऑफ वाइट कलर का लाइनन का बना हुआ, लाइनन एक कपड़ा होता है, तो उसका हैंकी उसका बड़ा आराम से पड़ा हुआ था, तो जिससे वो साफ वाफ कर लेगा अब शेव के बाद। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, अब जैक्सन फिर से बोल रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ और आइंस्टाइन, या व्हाट्स दैट, तो इवांस पूछ रहे हैं क्या हुआ, गुड लक ओल्ड सन, गुड लक, सो जैक्सन उसे गुड लक विश कर रहा है। ये दूसरा साइन है जो बता रहा है कि जैक्सन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कंपैशन था। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स, प्रिजन का जो मेन गेट है उसके अंदर एक लॉज था, लॉज के लिए छोटा सा कमरा, The Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book. McCleary ने अपना नेम विजिटर्स बुक में बड़े अच्छे से साइन किया, एंड thence walked साइड बाय साइड with the silent prison officer across the exercise yard to D wing. Hence का मतलब है और फिर या उसके बाद, तो अपना नेम वेम साइन करने के बाद फिर वो चलता है और उसके साथ में एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर भी चल रहा है, और वो एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए जा रहे हैं डी विंग की तरफ।
वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर उन्हें जैक्सन मिलता है. सो डीविंग में वो पहुँच गए, वहाँ उन्हें जैक्सन मिलता है. द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम. सो उस डीविंग का जो सबसे हैवी आउटर बाहर का डोर था, वो उसको खोलते हैं वो, फिर वो अंदर चलते हैं और फिर उनके पीछे उसको फिर से लॉक कर देते हैं. द हैवी इनर डोर द सेम, और जो अंदर का हैवी इनर डोर होता है उसके साथ भी यही सेम चीज़ होती है. एंड मैक्लियरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, और फिर मैक्लियरी को स्टीफन्स के हाथों में दिया जाता है. गेट द रीज़न, मर्मर जैक्सन. मर्मर होता है जैसे मैंने धीरे से बोला. सो धीरे से जैक्सन बोलता है, पूछता है एक्चुअली कि रेजर ले लिया. स्टीफन्स कुछ बोलता नहीं है, बस सर हिला देता है. स्टीफन्स नॉटेड, वेल कीप योर आइज स्कैंड क्लियर. बहुत ध्यान रखना, समझ आ गया है. कीप योर आइज स्कैंड का मतलब है कि अपनी आँखें वाँखें खोल के सब बहुत ध्यान रखना हर चीज़ का. इस बात पे फिर से स्टीफन्स नॉट करता है. स्टीफन्स नॉटेड अगेन. एंड मैक्लियरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स. मैक्लियरी जिसके फीट आवाज़ कर रहे थे ऊपर उन लोहे के स्टेयर से चढ़ते हुए. कोई भी लोहे की चीज़ पे आप चलोगे या कुछ भी होगा, आवाज़ होती है, उसको क्लैंगिंग साउंड कहते हैं. सो उसके आवाज़ कर रहे थे फीट और वो ऊपर चढ़ रहा था. फॉलोड इज न्यू गाइड, और अपने उस न्यू गाइड स्टीफन्स को वो फॉलो कर रहा था. एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और फिर फाइनली वो एक सेल, एक कमरे के डोर के बाहर खड़ा हो गया, आ गया. वे स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू, जहाँ पर स्टीफन्स ने पीप होल खोला और उसे देखा. पीप होल होता है जो यूजुअली घरों में जो मेन गेट होता है उसमें एक छोटा सा छेद होता है कि अंदर वाला बंदा बाहर वालों को देख सके बिना दरवाजे को खोले. ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है जनरली. यहाँ पर इन्होंने पीप होल लगाया है ताकि वैंस पे नजर रख सके वो कर क्या रहा है. सो वो उस पीप होल को खोलता है और देखता है स्टीफन्स के अंदर वो कर क्या रहा है, और वो फिर साथ में मैक्लियरी को दिखाता है. दैट्स हिम सर, ये वो ही है सर. वैंस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स. इवांस जो डोर को फेस कर रहा था, पीपल से उन्होंने देखा तो उन्हें इवांस का चेहरा नजर आया. वो दरवाजे की तरफ फेस करके बैठा हुआ था और वो चुपचाप उन दो टेबल्स में से जो दूर वाली टेबल थी उस पर बैठा हुआ था. हिज होल अटेंशन रिविटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर. उसका पूरा इंटेंशन बहुत अच्छे से एक बेसिक लेवल के जर्मन ग्रामर वाली बुक के ऊपर था. रिविटेड होता है किसी चीज़ में या कहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना. सो इवांस का पूरा ध्यान उस जर्मन की टेक्स्ट बुक में था. स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम द रिंग. छल्ले से स्टीफन्स ने चाबी निकाली. एंड द सेल लॉक स्प्रिंग बैक विद अ थडेड मेटलिक वैंग. और जो सेल लॉक था वो खुल गया. स्प्रिंग बैक, ये जैसे एक बंद ताला है, इसको खोलोगे तो एकदम ही पीछे की तरफ जाएगा ना, पीछे की तरफ स्प्रिंग बैक होगा. तो इस तरह वो ताला खुला विद अ थडेड मेटलिक ट्वैंग. ट्वैंग एक आवाज़ है, थडेड एक आवाज़ है. सो एक आवाज़ के साथ वो मेटलिक ताला था वो खुल गया. इट वॉज 9:10 AM When the governor switched on the receiver. 9:10 बज रहे थे जब गवर्नर ने रिसीवर चालू किया. कौन सा रिसीवर? वो जो माइक्रोफोन लगा रखा था इवांस के सेल में, उसका रिसीवर उसने चालू किया. He had instructed Jackson to tell इवांस of the temporary little precaution. और उसने जैक्सन को instructions दी थी कि इवांस को इस छोटे से जो little छोटा सा precaution जो इन्होंने माइक्रोफोन वाला सीन कर रखा है, इसको इवांस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए. टेम्प्रेरी जो कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता. That was only fair. और ये बिल्कुल सही बात थी. As if Evans wouldn't spot it. जैसे कि Evans को तो पता ही नहीं लगेगा. So उसने सोचा Jackson बता ही देगा, क्योंकि fair भी बात है, plus Evans को वैसे भी पता लग ही जाना है, तो खुद ही बता दो. But wasn't it all a bit theatrical? पर क्या ये सब कुछ ज़्यादा theatrical, नाटक टाइप नहीं लग रहा था? School boyish almost, बिल्कुल एक स्कूल वाले बच्चे की तरह, जैसे स्कूलों में सब चीज़ होती है. How on earth was Evans going to try anything on today? कैसे इवांस आज के दिन कुछ ट्राई कर सकता है? कैसे इवांस कुछ भी सोच सकता है भागने का या कुछ भी ट्राई कर सकता है? इफ़ ही वॉज सो एनेक्शियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन दी हेवन्स नेम. अगर वो इतना ही ज़्यादा एनेक्शियस, इतना ही ज़्यादा डिटर्मिंड, पागल हो रखा होता भागने के लिए, वाई इन हेवन्स नेम हैडन्ट ही ट्राइड फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक. तो क्यों उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक से भागने का ट्राई नहीं किया? मच ईजी हो, क्योंकि वहाँ से भागना बहुत ज़्यादा ईजी है. तो गवर्नर के मन में बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, थिएटर की तरह, एक नाटक की तरह तो नहीं लग रहा जैसे स्कूल के बच्चों के साथ किया जाता है? बहुत ज़्यादा चाइल्डिश चीज़ तो नहीं है ये? इवांस आज कैसे कुछ ट्राई कर सकता है? उसको ट्राई करना होता, भागना होता तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता. वहाँ से भागना बहुत ज़्यादा ईजी है. बट ही हैडंट, पर वो भागा नहीं वहाँ से. एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल. तो वो भागा नहीं वहाँ से, और अब वो वहाँ पे था एक लॉक्ड सेल में. All the prison officers on the alert, जहाँ पर सारे prison officers बहुत ज़्यादा alert हैं. 2 more locked doors between his cell and the yard.
और जो बाहर खुला ग्राउंड यार्ड है और जो उसका सेल है, उसके बीच में दो और लॉक्ड डोर्स थे। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी इस वाली जगह पर जहां पर अब इवेंट्स है। एंड यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टैक, और ऐसा यार्ड जिसकी दीवारें एक हे स्टैक, एक सूखी घास के ढेर जितनी लंबी थी। यस, इवेंट्स वॉज एज सेफ एज हाउसेज। हाँ, इवेंट्स बहुत ज़्यादा सेफ था। एज सेफ एज हाउसेज, ब्रिटिश में इसका मतलब होता है कि बिल्कुल सेफ होना। तो इवेंट्स बिल्कुल सेफ था, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी यार। एनी वे, चलो कोई नहीं। इट वुडन्ट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्नड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। वो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि रिसीवर को हम कुछ अगले घंटों के लिए चालू कर दें। इट वॉजेंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू, वॉजेंट इट? और ऐसा नहीं है कि कुछ सुनने वाली बात भी होगी। अमंगस्ट अदर थिंग्स, एंड इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि एक इन्विजिलर की जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं उसमें से एक ड्यूटी ये भी होती है कि सबसे ज़्यादा साइलेंस हो, एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जब एग्जाम चल रहा हो। तो जब पिन ड्रॉप साइलेंस एक इन्विजिलेटर मेंटेन करके रखेगा तो सुनने लायक तो क्या ही बात होगी। तो रिसीवर को कुछ घंटे खुले तो ऑन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल दैट लिटिल नागिंग डाउट, पर फिर भी वो एक छोटा सा डाउट जो कंटिन्यूसली उस गवर्नर के मन में था। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कि कहीं इवांस मैक्लेरी का ही फायदा तो ना उठा ले। गेट हिम टू स्टगल इन अ चिजल और अ टू और अ रूप लाडर, कि कहीं उससे एक चिजल मंगवा ले। चिजल ये टूल होता है जो लकड़ी के काम में यूज़ होता है। सो उससे वो चिजल मंगवा ले या फिर एक रोप लाडर मंगवा ले। रोप लाडर होती है एक ऐसी सीढ़ी जो रस्सियों से बनी होती है, जैसे बच्चे इस पर चढ़ रही है। तो इनमें से कुछ कहीं वो मंगवा ना ले। तो बहुत सारे थॉट्स गवर्नर के मन से चल रहे। द गवर्नर सेटअप शार्पली। गवर्नर एकदम उठ के बैठ गया। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट एवांस कुड हैव यूज। ये तो सही है कि हम वो सारी चीज़ें हटा दें जिसे एवांस हथियार बनाकर यूज़ कर सकता है। बट वॉट अबाउट मैक्लेरी? पर मैक्लेरी का क्या? वॉट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ? तब क्या अगर मैक्लेरी, एक इनोसेंट सा मैक्लेरी ही कुछ अंदर ले आया बिना सोच समझ के? अनविटिंगली मतलब होता है अनइंटेंशनली। सो अनइंटेंशनली वो कुछ ऐसा ले आया तो क्या? जैक नाइफ परहैप्स, मे बी एक जैक नाइफ ले आए वो। एंड वॉट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन? और तब क्या अगर इवांस ने ऐसा कुछ वेपन यूज करके उसे बंदी बना लिया? होस्टेज मतलब बंदी। तो तब क्या होगा? जैक नाइफ होता है एक नाइफ जिसका ब्लेड फोल्ड हो सकता है। सो ये है जैक नाइफ। सो इतना गवर्नर परेशान चल रहा है। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। गवर्नर ने अब अपना फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 बज चुके थे। तो गाइज, हमने पढ़ा था पहले 9:15 पर एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, बट 9:12 बज गए, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और गवर्नर अब फ़ोन उठा रहा है कुछ आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स। एग्जामिनी कौन होता है? जिसको एग्ज़ाम देना होता है, एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेता है। सो इवांस और उसका इन्विजिलेटर, उन दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, स्टीफन्स ने करा दिया था। व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू दी सेल डोर। और ये करा दिया था जब जैक्सन वापस आया और मैक्लेरी को उस सेल के डोर से चिल्लाकर बोला, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफन्स, कि सर आप एक मिनट के लिए बाहर आ सकते हो, और तुम भी स्टीफन्स। सो जैक्सन अब उन दोनों को बाहर बुला रहे। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज। जैक्सन ने फटाफट गवर्नर के उस टेंशन के बारे में बताया कि कहीं मैक्लेरी गलती से कुछ ना ले आया हो, एवांस उसको बंदी बंदी ना बना ले। एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल्स जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स। फ्रिस्क्ड होता है तलाशी लेना। जब जैक्सन ने बताया तो मैक्लेरी ने बड़े आराम से अपने हाथ अपने कंधों के लेवल पे कर लिए, जैसे इस बंदे ने कर रखे हैं। जब जैक्सन ने फिर उसके कपड़ों की तलाशी ली, समथिंग हार्ड है सर, उसको कहीं जगह कुछ हार्ड फील हुआ, तो जैक्सन कहते हैं यहाँ कुछ हार्ड है सर। माई रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी। मैक्लेरी बताते हैं मेरी रीडिंग ग्लासेस हैं। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, वो अपने फिर उस चश्मे के डब्बे को देखते और बताते हैं कि मेरी रीडिंग ग्लासेस हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम। तो जैक्सन ने मान लिया, उसको रीअश्योर किया कि भाई ठीक है। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द केस। फिर वो नीचे झुका और उसके सूटकेस में जो कैचेस थे, पुराने ज़माने के सूटकेस में वो सॉर्ट ऑफ एक बटन्स होते थे यार, जिनको दबाओ तो वो बाहर निकलते थे और वो सूटकेस खुल जाता था। सो जैक्सन उसका सूटकेस खोलता है देखने के लिए ही। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न। तो उसने हर एक एनवलप एक के बाद एक उठाया। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेस। अपनी हथेली को हर एनवलप पे लगाकर देखा कि कुछ है तो नहीं। एंड सीम्ड सैटिस्फाइड। और फिर वो सैटिस्फाइड था कि भाई हाँ कुछ नहीं है।
ही रिफल्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट. होली रिट है बाइबल, बाइबल का दूसरा नाम होता है होली रिट. रिफल होता है ऐसे पन्ने खोलकर देखना कि कुछ है तो नहीं उनमें. तो उसने फटाफट कर्सरली बड़ा बिल्कुल हल्के से पन्ने पलट के देख लिया कुछ पेजेस उस बाइबल के, कुछ है तो नहीं उसमें. एंड वेगली शुक दी चर्च टाइम्स. चर्च टाइम्स उसका न्यूज़पेपर लाया था वो, तो बड़े हल्के से वेगली वो चर्च टाइम्स का पेपर हिलाकर देख लिया कि भाई उसमें कुछ है तो नहीं. ऑलराइट, सो फार अब तक तो सब सही था. बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरीज सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली. पर एक ऑब्जेक्ट तो सूटकेस में था जो उसको बड़ा कन्फ्यूज और पजल कर रहा था बड़े अच्छे से. डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? वो आपको पूछ रहा है मैक्लेरी से कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप ये क्यों लेकर आए हो सर? ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. उसने एक रबर रिंग उठाई, तो बड़ी छोटी सी थी, सेमी इन्फ्लेटेड थी, मतलब आधी फूली हुई थी. तो उसने एक रबर रिंग उठाई. सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 inches माइट हैव स्ट्रगल्ड इन टू. और वो इतनी छोटी थी कि छोटा सा बच्चा जिसकी कमर 12 इंच की है वही बड़ी मुश्किल से घुसेगा उसके अंदर. आई थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर. तो सॉर्ट ऑफ जैक्सन थोड़ा मजाक उड़ा रहा है कि आप तैरने वैरने जाओगे क्या इसके बाद सर? मैक्लेरीज हिथर्टो एमिएबल डिमीनर लाइटली रफल्ड बाय टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री. तो बड़े सारे हैवी वर्ड्स हैं, एक एक करके उल्टा चलते हैं. प्लेजेंट्री होता है बातचीत में आप थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बात कर लेते हो. सो जो ये बोला है स्विम जाने वाली, ये एक प्लेजेंट्री है, थोड़ी हंसी की बात है जो जैक्सन ने करी है. टेस्टलेस बहुत ही बेकार, रफल मतलब खराब होना. डिमीनर होता है आचरण, एक ऊपरी भार से आपका बिहेवियर कैसा है उसे डिमीनर कहते हैं. एमिएबल होता है फ्रेंडली. हिट हर्टो मतलब होता है अब तक. तो अब तक मैक्लेरी का जो बाहर का ऊपरी फ्रेंडली सा बिहेवियर था वो थोड़ा सा खराब हो गया था जैक्सन के इस छोटे से जो जोक वाला उसने लाइन बोला था उसके वजह से उसका वो फ्रेंडली बिहेवियर खराब हो गया था. इफ यू मस्ट आई सफर फ्रॉम हैमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ टाइम. अब वो थोड़ा गुस्से में आ गया. अब पहले तो ये वाई ई, इसे ये नहीं बोलते, इसे कुछ जी कुछ ऐसा बोलते हैं और ये यू के लिए यूज़ होता है. पुरानी इंग्लिश है, अब तो नहीं चलता, बट चैप्टर्स वैप्टर्स में मिल जाएगा. तो आपको पता हो आई सफर फ्रॉम हैमरॉइड्स. हैमरॉइड्स होते हैं पाइल्स. मैं पाइल से सफ़र करता हूँ और जब बड़े लंबे समय के लिए बैठता हूँ तो जैक्सन ने उसको बारत पूरी नहीं करने दी, वो एम्बारस हो गया. वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू. मुझे माफ़ कर दो सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बेसिकली मजाक उड़ाने का इरादा नहीं था. उसे नहीं पता था कि उसे कोई मेडिकल इशू है. द एम्बारसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स. जैक्सन के जो गाल थे वो रेड हो रहे थे इस एम्बारसमेंट की वजह से. When he found the paper knife at the bottom of the case, और तब भी उसके cheeks वो red हो रखे थे embarrassment की वजह से जब उसे उस suitcase के नीचे एक paper knife मिला. I think I'd better keep this though, if you don't mind, that is so. तो वो कहते हैं कि सर ये तो मैं रखूँगा अगर आपको कोई problem ना हो. तो जैक्सन ने paper knife ले लिया क्योंकि वैंस उसको हथियार की तरह यूज़ कर सकता था. It was 9:18 AM before the governor heard their voices again. 9:18 हो चुके थे, एग्ज़ाम 9:15 पे शुरू होना था पर लेट हो गया, 9:18 हो गए. और 9:18 पर गवर्नर ने फिर से उनकी आवाज़ें सुनी. एंड इट वॉज क्लियर दैट एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर दैन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर. और बिल्कुल साफ हो चुका था कि भाई 9:18 हो चुके हैं तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम होने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला. तो अब मैक्लेरी और इवांस का ये कॉन्वर्जेशन है यहाँ पर, ये देखते हैं क्या है. मैक्लेरी कहते हैं इफ गॉड वॉच, तो तुम्हारे पास वॉच है? वो इवांस से पूछ रहा है. इवांस कहते हैं यस सर, हाँ सर है. मैक्लेरी फिर कहता है आई बी टेलिंग जी व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन जे 5 मिनट्स लेफ्ट. ऑलराइट, तो मैक्लेरी कह रहे हैं कि जब तुम्हें शुरू करना होगा मैं बता दूंगा और फिर तब दोबारा बताऊंगा जब 5 मिनट बचे होंगे, ठीक है? इवांस को जवाब नहीं देता है, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस. मैक्लेरी फिर दोबारा कहते हैं देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट. जो ये राइटिंग पेपर है ये काफ़ी है अगर तुम्हें और चाहिए हो तो. इस बात पर भी इवांस कोई जवाब नहीं देता है, चुप रहता है. मैक्लेरी फिर कहता है नाउ write the name of the paper 0211 in the top left hand corner. अब वो इवांस को पेपर में लिखने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में आप ये लिखो 0211. फिर भी इवांस कुछ नहीं कहता, साइलेंस. आगे मैक्लेरी इंस्ट्रक्शंस देता है इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313. टॉप राइट हैंड कॉर्नर में अपना इंडेक्स नंबर लिखो 313. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके नीचे कोई डब्बा बना होगा, मैं रफ बना रही हूँ, राइट योर सेंटर नंबर 271. ऑल राइट, और उस डब्बे में लिखो तुम्हारा सेंटर नंबर जो है 271. ऑल राइट, ठीक है. साइलेंस. 9:28.
अभी वैंस कुछ नहीं बोला, पूरी साइलेंस। और 9:20 हो चुके थे, तो 9:15 पे एग्जाम स्टार्ट होने था, 5 मिनट तो लेट हो ही गया। अब मैं क्लियर कह रहा है, आई एम गोइंग टू, अब मैं करने वाला हूँ, इवांस उसको काट देता है, इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर, जी ये यहाँ रहने नहीं वाला है, रहने वाला है क्या? तो वो स्टीफन्स के लिए कह रहा है, क्योंकि स्टीफन्स वहाँ जेल में था, उस पर निगरानी रख रहा था। मैक्लेरी कहता है आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। फिर स्टीफन्स काटता है मैक्लेरी को और बोलता है मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब स्टीफन्स की बात पूरी नहीं होती, इवांस उसे काटता है। हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँ, फोकस कैसे करूँ विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, जब कोई मेरे सर के ऊपर बैठा है ब्रीदिंग डाउन माई नेक, कि कोई बहुत ध्यान से आपको देख रहा है कि आप कुछ गड़बड़ ना करूँ, तो अगर बिल्कुल पास है मेरे, मेरे सर के ऊपर कोई खड़ा है, तो फिर मैं एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कहाँ से करूँगा, मेरा ध्यान तो स्टीफन्स पर रहेगा ना। क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन क्राइस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना परेशानों के, हे भगवान ये क्या हो गया, सर वो बोल रहा है वहाँ पे क्राइस्ट चलता है उस कंट्री में, तो क्राइस्ट। फिर वो अपने सर को कह रहा है सॉरी सर मेरा ये मतलब नहीं था, बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि मेरा इस तरह चलाने का मतलब नहीं था। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, अब ये कन्वर्सेशन सब गवर्नर को सुनाई दे रही है, तो गवर्नर फोन की तरफ जाता है, जैक्सन हाँ गुड, सो अब वो कहता है जैक्सन गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल, विल यू स्टीफन्स को सेल से बाहर निकालो, निकाल दोगे क्या? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, मुझे लग रहा है कि शायद हम चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो ये कॉन्वर्जेशन गवर्नर ने सुनी और उसे भी लगा कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, उसके सर पे बिठा दिया, वो पेपर कैसे करेगा। तो वो जैक्सन को बोल रहे हैं कि उसको निकाल लो सेल से, एज यू विश सर, जैक्सन कहता है जैसे आपकी मर्जी सर। गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन दी सेल, गवर्नर ने जो भी बात थी वो सब सेल में सुनी, हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, और डोर के क्लैंग होने की आवाज़ आई फिर से बंद होने की, एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड गन एट लास्ट, और फिर उसने मैक्लेरी को अनाउंस करते हुए सुना एग्जामिनेशन लास्ट में शुरू हो ही चुका है। इट वॉज 9:25 AM, 9:25 हो रहे थे, एंड देर वॉज अ ग्रेट काम, और बहुत ज़्यादा शांति थी। तो 9:15 का एग्ज़ाम 9:25 पे शुरू हुआ, 10 मिनट लेट, एंड फाइनली स्टार्ट हो गया, और बहुत शांति थी। अब आगे कितनी क्या शांति रहेगी वो देखने वाली बात है, जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो गाइज अपना फीडबैक देना कैसा लगा ये पार्ट, एंड थैंक यू, सो बाय।